सीरियल एक था राजा एक थी रानी में लीप ट्रैक के बाद सारा माहौल बदलने के साथ साथ कुछ कैरेक्टर्स भी बदल जाएंगे। ऐशा सिंह कुंवारी रानी का रोल प्ले करेंगी तो उनके अपोजिट राजा राजवीर सिंह का रोल प्ले करेंगे सरताज गिल। सीरियल में बड़े होने के बाद भी दोनों की नफरत एक दूसरे से जारी रहेगी, पर किस्मत भी अजीब खेल खेलती है। राजवीर और रानी गायत्री जितना एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते थे, अब उनके बीच उतनी ही नजदीकियां बढ़ जाएगी, जहां की दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाएगा। अपकमिंग एपिसोड में एक तरफ रानी गायत्री हॉस्पिटल में राजमाता यानी उसकी दादू से मिलने जाएगी, जिसकी हालत बहुत गंभीर होगी। दूसरी तरफ राजवीर भी गायत्री का पीछा करके हॉस्पिटल पहुंच जाएगा, जहां वो राजमाता को सुसाइड करने की कोशिश करते हुए देख लेगा। सही वक्त पर राजवीर राजमाता को बचा लेगा, जिसके बाद राजवीर राजमाता की ट्रीटमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों में ले लेगा। पर रानी गायत्री इस बात से खुश नहीं होगी, क्योंकि राजमाता की देखभाल वो खुद करने के लायक है। रानी गायत्री राजवीर को उससे और राजमाता से दूर रहने के लिए कहेगी, पर राजवीर गायत्री की इस बात को नहीं मानेगा। राजवीर जो गायत्री को किसी भी मुसीबत में नहीं देख सकता है, वो उसे मनाएगा ताकि वो उसकी मदद कर पाए। इस बीच सीरियल में एक नया ट्विस्ट आने वाला है, जब राजमाता राजवीर के सामने बड़ी रानी माँ का राज खोल देगी। राजमाता राजवीर को बताएगी कि बड़ी रानी माँ ने उसके बेटे बहू और प्रॉपर्टी से लेकर उससे सब कुछ छीन लिया था। राजवीर राजमाता का यकीन नहीं कर पाएगा। क्या राजा को पता चल जाएगा कि गायत्री अमरकोट की रानी है? कमेंट्स के जरिए हमें बताइए कि आपको इस बारे में क्या लगता है। टेलीविजन के मोर अपडेट्स के लिए देखते रहे हमारा चैनल।